दिल्ली से खबर है। तीन राज्यों की चुनाव तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय में चुनाव तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। त्रिपुरा में 16 फरवरी को मतदान होगा। नागालैंड में और मेघालय में 27 फरवरी को मतदान किया जाएगा और 2 मार्च को तीनों राज्यों के नतीजे आएंगे। इस वक्त की अगली बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तीन राज्य नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय में चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा चुका है। आपको बता दें, त्रिपुरा में 16 फरवरी को मतदान किया जाएगा और नागालैंड, मेघालय में 27 फरवरी को मतदान किया जाएगा। और तीनों राज्यों की जो मतदान के बाद जो चुनाव के नतीजे हैं 2 मार्च को आएंगे। इस वक्त की अगली बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से। तीन राज्यों के चुनाव की तारीखों का ऐलान। नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय, ये तीनों जगह अब चुनाव होंगे। इन स्टॉपिंग द फेक न्यूज, आइडेंटिफाइंग, और जितना जल्दी वो फेक को फेक कहें, झूठ को बार बार ना बोलने दें, नहीं तो 10 बार झूठ बोला जाता है तो लगता है जैसे सही ही बोला जा रहा है। और आपसे भी अनुरोध है, सिटीजन से भी अनुरोध है कि कम से कम फेक लग रहा है तो उसको री फॉरवर्ड ना करें, आगे ना बढ़ाएं, अपना विवेक इस्तेमाल करें। राजीव सर, मैं रविंद्र पाठे हूँ जी न्यूज से। कृपया अपना नाम और मीडिया ऑर्गेनाइजेशन करके शुरू करें। मैं पीयूष पांडे हूँ TV9 भारतवर्ष से। सर, मेरा सवाल आरवीएम को लेकर के है कि आरवीएम को लेकर के अभी आपने हाल ही में बैठक की थी, क्या उम्मीद है कि इस साल आने वाले किसी भी विधानसभा चुनाव में उस व्यवस्था को लागू किया जा सकेगा और क्या प्रगति है, अगर आप उस बारे में कुछ जानकारी दे सकें। सर, उसी से जुड़ा सवाल है। मैं रवि त्रिपाठी हूँ जी न्यूज से कि क्या अपोजिशन पार्टीज को डेमो देने का जो मीटिंग था उसमें आप अपोजिशन पार्टीज को सेटिस्फाई कर पाए, क्योंकि तमाम तरह के सवाल उनके थे, तमाम तरह के उनके आशंकाएं थी, क्या आप उनको संतुष्ट कर पाए और क्या 2024 इसका टारगेट है लागू करने का या उससे पहले के विधानसभा में भी आरईवीएम को लागू किया जा सकता है जी? इस विषय पर किसी और का प्रश्न है तो पूछ लें, इस पर पर्टिकुलरली इस विषय पर रिलेटेड हो तो आप यहाँ राइट पे। संदीप, आप आरवीएम पर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ लें ताकि बार बार आई विल कम बैक टू दिस। देखिए, क्रॉस टू 94.5 crores इज द नंबर ऑफ वोटर्स इन द कंट्री। लास्ट इलेक्शंस वी हैड ए वोटिंग ऑफ 67.6%। अगर राज्यों की एक विवेचना करें तो कुछ राज्य ऐसे हैं जहां इससे ऊपर परसेंटेज में वोटिंग होती है, हमेशा 67% से ऊपर, और कुछ राज्य ऐसे हैं जहां 60 से 67 होती है या 65 से 67 होती है, और कुछ ऐसे हैं जहां 65 से भी नीचे होती है। उन राज्यों की विवेचना आप खुद ही कर सकते हैं, हम सबकी वेबसाइट पर है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। तो करीब करीब क्लोज टू 30 करोड़ पीपल इन दिस कंट्री वोटर्स डू नॉट वोट, और उसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं, कोई एक फैक्टर नहीं है। उसमें यूथ अपैथी भी बहुत बड़ा कारण है। यंग वोटर्स समहाउ जितनी तेजी से हम प्रयास कर रहे हैं कि उनको वोटर बनाएं, उनके घर जाएं, उनको मोटिवेट करें, उनके लिए फिल्म बनाएं, उतनी ही बैकिंग वो अभी उस प्रोसेस में नहीं आ पा रहे हैं। और अर्बन अपैथी भी बहुत बड़ा कारण है। अगर आप पिछला इलेक्शन देखें जनरल, तो जो फर्स्ट 10 सबसे लोअर प्लेसेस हैं जहां वोटिंग हुई है, ये भी हमारी वेबसाइट पर है, स्टैटिस्टिक्स बुक में आप देख सकते हैं खुद, आप कहेंगे तो हम भी आपको दे देंगे। उसमें 4-5-6 सबसे बड़े शहर हैं। एक शहर में हम अभी गए थे SSR शुरू करने, सबसे लोएस्ट शहर है। उसके बाद में थर्ड कारण सबसे बड़ा एक जो डोमेस्टिक माइग्रेंट्स है वो भी है। तो उसमें बहुत सारे मुद्दे हैं, कौन डोमेस्टिक माइग्रेंट्स होंगे, उनकी परिभाषा क्या होगी, नेशनल बूथ्स कैसे बनेंगे, स्टेट के अंदर पहले शुरू करेंगे कि स्टेट के बाहर शुरू करेंगे। मेजॉरिटी जो माइग्रेशन है वो विद इन स्टेट है, उसके कारण भी हैं, पढ़ाई भी कारण है, जॉब भी कारण है, शादी भी कारण है, सबसे बड़ा कारण शादी भी है।